क्या आप भी लेते हैं बनाना अपने डाइट में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। ज़रा सोचिए कि चीनी का रंग हमेशा सफ़ेद ही क्यों होता है, घरे में हमेशा तीन ही सुई क्यों होती हैं, और ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर खाने में नमक के जगह वहाँ के रेत का इस्तेमाल किया जाता है। तो हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ। अब ज़रा सोचिए कि एक ह्यूमन डीएनए में और एक बनाना के डीएनए में, दोनों के डीएनए में 50% तक सिमिलैरिटी है। जी हाँ, दोनों का डीएनए 50% तक समान डीएनए है ह्यूमन और बनाना के डीएनए में। हमेशा चीनी का रंग सफ़ेद इसीलिए होता है क्योंकि चीनी में सल्फर डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से चीनी का रंग सफ़ेद होता है। अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड ना हो तो चीनी का रंग सफ़ेद नहीं होगा। घड़ी में हमेशा तीन ही सुई होते हैं, इसके पीछे वजह ये है कि टाइम जो है हमेशा तीन ही यूनिट में डिवाइड किया जाता है, एक आवर यानी कि घंटा, सेकेंड और मिनट। इसीलिए ये तीन जो सुई है वो तीनों यूनिट को बांटते हैं। अब ऐसा एक जगह है जो है ईरान के हरबस नामक का एक आइलैंड है, जहाँ पर लाल और भी तरह के कई सारे रेत पाए जाते हैं जिनमें काफ़ी पोषक तत्व है, और इसीलिए वहाँ पर उन्हीं रेत का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही विटनेस फैक्ट्री